नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एशरी आईएएस परिवार के अंदर। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि एशरी द्वारा जो है मेन स्मिता प्रोग्राम चलाया गया था, जिसके अंदर हम 11 वर्ष के जो है PYQ कवर कर रहे हैं। चारों जीएस पेपर के सभी सब्जेक्ट को हम कवर करने वाले 2013, 14, 15 के मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ जो है हम कवर कर चुके हैं। आज 2016 के जो है मॉडर्न हिस्ट्री के PYQ को हम कवर करने वाले हैं, और ऐसे ही हम सभी सब्जेक्ट को कवर करेंगे 2013 से लेकर 2023 के अंदर पूछे गए प्रत्येक सब्जेक्ट से सभी क्वेश्चन को जो है वो कवर करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर आपके 11 साल के PYQ कवर होने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि 11 साल के PYQ हम कवर तो करेंगे, ठीक है, इससे क्या बेनिफिट होगा? क्वेश्चन तो रिपीट नहीं हो सकते कि हाँ वो क्वेश्चन सेम आ जाएंगे, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो होता नहीं है, तो फिर क्या बेनिफिट है? और PYQ चारों ओर चलता रहता है, इससे बेनिफिट क्या है कवर करने के लिए? क्यों हम इसको कवर करें? देखिए, जब आप इतने बड़े एग्जाम की आप तैयारी करते हैं कि हाँ मैं UPSC की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे IAS निकालना है, मुझे फाइनल लिस्ट के अंदर आना है, मुझे मेंस को अच्छे से समझना है और क्रैक करना है, बहुत सारा सोशल मीडिया भरा हुआ है, मोटिवेशन क्लासेज जो है वो भरी पड़ी है, वो सारी चीजें इससे वजह से डिसाइड होती हैं कि हाँ हिंदी माध्यम का रिजल्ट कहाँ पे है, ये भी चीज दिमाग में आती है, क्या कवर करें, ऐसा क्या कर लें, वो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम का रिजल्ट नहीं है, मैं क्या करूं, इतनी सारी बुक्स हैं, क्या पढ़ लेना चाहिए, उसके अंदर क्या सब पढ़ना होगा, क्या मुझे कैसे पता चल पाएगा कि मेरे सिलेबस के अंदर क्या क्या चीजें हैं, और फिर मैं अब अपने सिलेबस के हिसाब से कौन से टॉपिक जो है ज्यादा देखूं, उन पे अधिक फोकस करूं, वहां से क्वेश्चन कैसे आते हैं, किसी टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, वो मैं कैसे डिसाइड करूंगा, कैसे मुझे पता चलेगा, वो आपको बताता है आपका PYQ। कोई संस्था किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन क्रिएट करती है और कब वहां से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और कैसे होते हैं, इन सब का जवाब जो है आप PYQ के अंदर छुपा होता है। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये भी आपको PYQ ही बताते हैं। हम पढ़ाई कुछ अन्य स्थान पे कर रहे होते हैं, कुछ चीजें अलग तरीके से पूछी जा रही होती हैं, और हमें लगता है कि हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। क्या आपको ऐसा लगता है कि हिंदी माध्यम वाले नहीं पढ़ाई कर रहे होंगे? क्या वो नहीं पढ़ते हैं? मैं ये मानता हूं कि सबसे अधिक बुक जो है कोई पढ़ता है खरीदता है वो हिंदी माध्यम वाले ही हैं। वो पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वो सिलेबस के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहां कहां से किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज मुझे ये बुक कवर करनी है, आज मुझे भाई बुक थोड़ी बोला जा रहा है कि आप ये बुक कवर कर लो, आप वो बुक कवर कर लो, वो आपसे बोला है कि ये हमारा सिलेबस है, ये PYQ है, जिससे दोनों से पता चलता है कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से चीजें पूछी जाती हैं, हमें पढ़ाई कैसे कर लेनी चाहिए, ये बुक इंपॉर्टेंट है, वो बुक इंपॉर्टेंट है, ये बुक पढ़ लू, वो बुक पढ़ लू, ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज चलते हैं 2016 की जो है क्वेश्चंस को देखेंगे, वहां से अंदाजा लगाएंगे किन किन टॉपिक से वो पूछे गए हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ इन टॉपिकों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पेपर को देखेंगे, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये देखेंगे, और कैसे हम उनको लिख सकते थे, हमें कैसे लिख लेना चाहिए, वो सब तरीके हम जो है आज देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले हम सिलेबस चेक करेंगे किस चीज का, कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री का जो है वो सिलेबस क्या है, ठीक है। देखिए, 18वीं सदी के मध्य से जो है लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारत का इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं और व्यक्ति मुद्दे, इन सब चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। यदि आपने आज से पहले सिलेबस चेक नहीं किया है तो फिर आप किन मानवीय भूति में हैं? प्लीज आप ये देखिएगा, ये आप कहाँ पर पढ़ाई करते हैं, आप लाइब्रेरी के अंदर पढ़ाई करते हैं, घर पर पढ़ाई करते हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, किसी कोचिंग संस्थान के अंदर वो ले रहे हैं, जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं, पहला कार्य कीजिएगा कि सिलेबस को अपने सामने लगा लीजिए, कुछ चेक करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, डेली उठते पहले एक बार सिलेबस जरूर चेक करना है कि क्या सिलेबस है, क्या वाकई मैं उस तरह क्लासेस दे रहा हूँ, क्या मैं वाकई वो पढ़ रहा हूँ जो मेरे लिए जरूरी है भी कि नहीं, क्या बताओ वो आप पढ़ ही ना रहे हो जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है। आगे चेक करते हैं। देखिए, स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण,
विभिन्न चरणों की बात कर रहा है और देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण योगदान करता और योगदान। स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन, आजादी के बाद भारत की वो बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सिलेबस से आप चीजें जो है हम प्रॉपर सिलेबस लेके आएंगे, हर सब्जेक्ट का बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू के हिसाब से वो क्लासेस जो है वो आने वाली है, जो वो क्लास आप मिस नहीं कर सकते, वो क्लास प्लीज मिस मत करिएगा। वो आपकी, यदि आप चाहते हैं कि 2025 के अंदर मैं लिस्ट में हूँ, फाइनल लिस्ट में हूँ, तो प्लीज वो क्लास मिस मत करिएगा, वो आपका चीजें चेंज कर देगी। क्लास आने वाले हम प्रॉपर आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उनको हम कवर भी कराएंगे। तो आज 2016 के पेपर की हम बात करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा क्वेश्चन जो है, चार क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से, तीन क्वेश्चन स्वतंत्रता से पहले और जो छठा क्वेश्चन है वो है आजादी के बाद भारत का। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात जो है उस इतिहास के अंदर से छठा क्वेश्चन, यानी कि आज हम तीन क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे जो 2016 के अंदर पूछा गया। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन आए हैं, अंतर से पहले के हैं, आजादी के बाद भारत को हम पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करेंगे, सभी पीवाईक्यू कवर करेंगे, वो अलग तरीके से क्लासेस जो है वो चलेंगी, सभी सब्जेक्टों को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन से देखेंगे कि उनको क्वेश्चन को समझेंगे, किस टॉपिक से कहां से रिलेटेड है ये देखेंगे, उनको कैसे लिखा जाना चाहिए था वो देखेंगे। ठीक है, तो आज सभी तरीके से जो है चीजों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्पष्ट कीजिए कि 1857 का विप्लव किस प्रकार जो है औपनिवेशिक भारत के प्रति ब्रिटिश नीतियों के विकास क्रम में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ था। वो सिंपल भाषा में जो पुछले वर्ड्स होते हैं, पहले तो हमें उन पर फोकस करना है कि भाई हाँ वो हमसे क्या चाहता है, क्वेश्चन को समझिए और वो किस तरीके से आपको लिखना चाहता है कि हाँ इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से देखिए और इस तरीके से लिखिए, वो ये वर्ड आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन को समझते हैं कि वो आपसे क्या चाहता है। वो बताना चाहता है कि 1857 का जो विप्लव, जो एक विद्रोह हुआ था, वो औपनिवेशिक भारत के प्रति जो है एक प्रतिक्रिया थी, तो वो जो है ब्रिटिश नीति को क्या करता है, वो चेंज करता है, उसमें ऐतिहासिक मोड़ लेके आता। अब वो क्या क्या चेंजेस थे, बस उनके ऊपर हमें स्पष्ट करने हैं कि भाई वो ऐतिहासिक मोड़ जो आप बता रहे हैं, महत्वपूर्ण घटना जो थी वो चीजें चेंज हो गई थी, ब्रिटिश नीतियां चेंज हो गई थी, विकास का एक महत्वपूर्ण मोड़ वो था, बस उसको जो है वो स्पष्ट करना है। क्या करना है, उसकी व्याख्या करनी है, उस पर प्रकाश डालना है, वो स्पष्ट करना है, उसका सरलीकरण करना है, ये सेम वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको दिमाग में रखिएगा कि ये सेम वर्ड्स ही होते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। आपको ये चीज नहीं बोलेगा आप अपनी मनमर्जी से कुछ करेंगे, बस वो आपसे कुछ नहीं चाहता है कि आप उसकी आलोचना कर दीजिए, इसका कुछ कर दीजिए, वो नहीं, कुछ नहीं करना है, बस स्पष्ट रूप से वो ये चीज चाहता है कि बस आप इसको स्पष्ट कर दीजिए, आप इसकी व्याख्या कर दीजिए, आप इसको प्रकाश डाल दीजिए, यानी कि बस सरलीकरण कर दीजिए, इसको आप नॉर्मली अपने पॉइंट देते हुए ये बातें जो है वो बता दीजिए, स्पष्ट कर दीजिए कि हाँ ये जो चीज हुई थी, ये जो घटना थी, ये जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद ब्रिटिश नीति के विकास क्रम में महत्वपूर्ण मोड़ आया था और वो क्या क्या चीजें थी उनके बारे में, बस उसको स्पष्ट आपको करना है, उसमें प्रकाश डालना है, उसको बता देना है। ठीक है, इधर उधर नहीं जाना है, ये वर्ड हम आपको यही बताते हैं कि हाँ एक्चुअल में आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना कैसे है। हमें क्वेश्चन को समझ लिया, वो कैसे लिखना है इसको समझ लिया, तो हमारा बहुत बड़ा काम जो है वो खत्म हो जाता है और दिमाग में स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि हाँ ये वो पॉइंट है जिससे मैं इसका आंसर दे सकता हूं, एक अच्छा सा अपना प्रस्तुतिकरण करूंगा, शुरुआत अच्छे से करूंगा और मेरे अच्छा आंसर होगा, अपने पॉइंट अच्छे दूंगा क्योंकि मैंने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया। और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और ये समझेंगे कि वो आपसे कैसे इसको चाहता है, कि आप इसको कैसे लिखें। ठीक है, तो बस बेहतरीन काम हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना थी, ये आप भी जानते हैं। भविष्य में इस तरह के विद्रोह से बचने के लिए तथा ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए जो है अंग्रेजों ने अपनी संरचना और नीतियों में जो है महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। ठीक है, अब यहां से क्या बात स्पष्ट हो रही है कि जो हमारी पृष्ठभूमि है, यहां से ये चीज क्लियर हो जा रही है कि हाँ ये किस ओर जाने वाली, कि वे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे, उन्हीं चीजों के बारे में वो हमसे जानना चाहता है ना।
तो उसी के बारे में बात करेंगे। आइए वो पॉइंट देखते हैं कि हम कौन कौन से पॉइंट दे सकते हैं कि भाई सरकार की जो संरचना थी, जो नीतियां थी, उसमें किस तरीके से परिवर्तन हुए ये विद्रोह होने के बाद, ये महत्वपूर्ण घटना होने के बाद, जो हमसे चाहता है तो उन्हीं के ऊपर बात करते हुए चलते हैं, अपने पॉइंट देते हुए चलते हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था। विद्रोह को दबाने के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने 1858 का जो अधिनियम आया था उसके माध्यम से क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया था कि भाई शासन इधर दे दीजिए, आपके बस का चलाना है नहीं। ठीक है, नहीं जो अप्रत्यक्ष रूप से चला रहा था वो प्रत्यक्ष रूप से चीजें आ गई थी। इसने कंपनी के अधीन अप्रत्यक्ष उपनिवेशवाद को ताज के अधीन प्रत्यक्ष उपनिवेशवाद में बदलना जो है वो चिन्हित हो गया था कि भाई हाँ हमारे हाथों में आ जाइए, अब आपके हाथों की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तुष्टीकरण की नीति स्टार्ट कर दी कि एक और बड़े विद्रोह को रोकने के लिए जो है अंग्रेजों ने रियासतों, जो जमींदार थे, जो सेवा कुलीनों को जो है वो उपाधियां दी, सम्मान किया कि बस हाँ आप हमारे हो, यानी कि एक लेप लगा। ठीक है ना, विशेष अधिकार प्रदान करने की उनकी जो है प्रति तुष्टिकरण की नीति अपनाई। उदाहरण की बात हम कर सकते हैं कि अधिकांश रियासतों को सलामी राज्य बना दिया गया, तो तुष्टिकरण की नीति के बारे में बात करेगी कि हाँ उनको सम्मान दिया गया, उनको उपाधि दी गई कि बस हाँ जो है एक लेप सा लगाया गया। बोलते ना कि बस मीठी मीठी बातें करके, मीठी मीठी चीजें कार्य करके वो चीजें की गई। आपने एक उदाहरण भी दे दिया तो आपकी बात जो है वो स्पष्ट हो गई। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं कि बांटो और राज करो। उस टाइम पे नीति अपना ली कि भाई देखा कि जो एकता है वो क्या कर सकती है, वो सही तरीके से विद्रोह हो जाता, वो घटना हो जाती तो हमें फ्रीडम उसी टाइम पर भी मिल जाती, मगर वो हो नहीं पाया क्योंकि वो एग्जीक्यूट जो है वो सही तरीके से विद्रोह हो नहीं पाया, वो घटना अच्छे तरीके से नहीं हो पाई। तो उन्होंने देखा कि भाई एकता की ताकत क्या है, तो उनको बांटना जरूरी है क्योंकि इनकी ताकत जब ये साथ में आते हैं क्या कर सकते हैं, उन्होंने देख लिया। तो उन्होंने क्या किया, बांटो और राज करो की नीति अपनाई और समुदाय के भी जो है तटस्थ अंपायर बने रहने के लिए अंग्रेजों ने सक्रिय रूप से कौन बड़ी ताकत है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच जो है सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया, उनका शोषण किया, एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया, मुसलमानों के लिए जो है अलग निर्वाचन क्षेत्र 1909 में जो है वो पेश किए गए, फूट डालो राज करो नीति ब्रिटिश शासन की पहचान बन गई। अब यहां से एक बात देखिएगा, अपने जब आप पॉइंट दे रहे हैं, आप बात कर रहे हैं किस चीज भी भाई फूट डालो राज करो कि अपना एक पॉइंट आपने रखा, मगर साथ में आपने उदाहरण की बात भी की, 1909 की जो है अधिनियम का जिक्र आपने किया। यदि आप ये नहीं करते हैं तो कुछ अधूरापन नजर आता है आपके आंसर के अंदर कि भाई एग्जांपल के थ्रू अपना एक प्रमाण नहीं आप दे रहे हैं कि भाई हाँ वो जो नीति उन्होंने स्टार्ट की थी, जो कार्य उन्होंने स्टार्ट किया था उसको कुछ प्रमाण तो दीजिए, है ना। तो वो ये प्रमाण है कि भाई हाँ इस तरह के अधिनियम लाए गए, इस तरह के कार्य उन्होंने किए गए। अब सब तो नहीं लिख सकते हैं मगर एक बात लिख के, एक उदाहरण लिख के अपनी बात को आप स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, बुनियादी ढांचे के विकास की बात हम कर सकते हैं कि 1857 के बाद जो है अंग्रेजों ने व्यापार, सैनिकों की आवाजाही के लिए कि आप बहुत सारी जगहों पर विद्रोह हुए थे। अब ये सोचेगा कि अलग अलग डेट पर हुए, यदि अलग अलग स्थान पर एक ही टाइम पीरियड पे चीजें हो जाती तो क्या होता। अब क्योंकि बुनियादी ढांचे का विकास इस तरह पर नहीं था कि सैनिक एक दस्ते पहुंच सके, तो वो उन्होंने देखा कि अंग्रेजों ने व्यापार और सैनिकों की आवाजाही, भारत के बेहतर प्रशासन को जो है सुदृढ़ बनाने के लिए रेलवे, सड़क, डाक, टेलीग्राम जैसे जो है परिवहन संचार बुनियादी ढांचे का भारी इसमें निवेश किया। अब आप ये देखिएगा कि जब आप चीजें पढ़ते हैं ना, हम 1857 के टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, 1857 एक टॉपिक है, वो एक घटना है, महत्वपूर्ण घटना है, इसके बारे में हम बात करें जो कि सिलेबस के अंदर है कि 18वीं सदी के मध्य से लेकर जो है वर्तमान तक महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात होगी, तो वो 1857 भी है। 1857 से पहले और 1857 के बाद जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, राष्ट्रीय आंदोलन है, उन सब के बारे में हमें देखना है, वो कि सिलेबस के अंदर है और ये इंपॉर्टेंट है, 1857 तो इंपॉर्टेंट है ही, है ना। तो उसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है। और जब हम बात करते हैं बुनियादी ढांचे के विकास की, तो बहुत सारी जगहों पर इस लाइन का जो है, इन पॉइंट का जो है इस्तेमाल किया जाता है और अलग अलग तरीके से किया जाता है, तो ये पढ़ाई का चीजें आप देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, शिशु सुधार के बारे में कि आज्ञाकारी भारतीय हमें चाहिए कि जो हम बोले वो कर दें। नौकरशाहों को जो है एक वर्ग तैयार करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षा के बजाय जो है मानविक और उदार कला का ध्यान केंद्रित करके अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा दिया गया, जैसे जो है कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास जैसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई कि ऐसे लोगों को तैयार करना है कि जो हम चाहे वो करे, यानी कि बाहर से तो वो भारतीय दिखे मगर अंदर से वो अंग्रेज ही हो और वो चीजें हमें आज दिखाई देती हैं।
कि आधुनिकरण के नाम पर, मॉडर्न सिस्टम के नाम पर हम क्या करते हैं, पाश्चात्यकरण, है ना। वो आपको सोशल मीडिया पर भी दिखाई देता है, वो आपको देश के हर हिस्से के अंदर जो है वो दिखाई देता है। वो तब वो बीज बो गए थे, वो आज तक हमें झेलना पड़ रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि सामाजिक धार्मिक मामलों में जो है हस्तक्षेप जो वो करते थे, कि आप ये सोच के देखिएगा कि जो वो कार्य कर सकते हो सकते हैं वो अच्छे, कुछ कार्य उन्होंने अच्छे किए, मगर क्योंकि उनको हमें लगता था कि वो छेड़छाड़ है, अब उसकी प्रतिक्रिया होती थी फिर, क्योंकि वो धार्मिक मामले थे, वो सामाजिक मामले थे जो पसंद नहीं थे हमें कि उनमें छेड़छाड़ हो, ये लोग उनको देखे उसके ऊपर कुछ कार्य करें, है ना। समुद्र पार यात्रा के बारे में कि हम उनको सही नहीं मानते थे। ठीक है, तो रियासतों के साथ जो है संबंध गोद लेने का अधिकार पुनः दिया गया कि हाँ आप लीजिए अपनी चीजें चलाइए, अब जो है अधिकांश क्षेत्र जो है वापस कर दिए गए। तो ये सब नीतियों के बारे में बात की, संरचना के बारे में कैसी चीजें परिवर्तन हो रहा है, है ना। तो अपने पॉइंट देते हुए अपनी चीज को स्पष्ट कर दिया, तो बस ऐसे ही अपने पॉइंट देते हुए अपनी चीजों में स्पष्ट करना था, इधर उधर नहीं घूमना था। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। 1857 की घटना ने जो है अंग्रेजों को व्यापारी से शासक बनने के लिए जो है वो प्रेरित किया, और भारत पर अपने जो है औपनिवेशिक नियंत्रण को मजबूत करने के उद्देश्य से बड़े प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधार जो है उन्होंने किए थे उस टाइम। तो ये निष्कर्ष हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता संग्राम में विशेष तौर पर जो है गांधीवादी चरण के दौरान महिलाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो स्पष्ट रूप से हमारे सामने क्या है, किसके बारे में बात कर रही है, महिलाओं की भूमिका के बारे में। कहां पर भूमिका आप चाहते हैं, किसके बारे में बात करना, या मैं उसके बारे में बात करूं, तो वो है स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका के बारे में, और विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान। ठीक है, तो क्वेश्चन स्पष्ट हो गया कि वो हमसे क्या, किसके बारे में बात करना चाहता है, महिलाओं की भूमिका के बारे में। कहां पर उनकी भूमिका के बारे में, स्वतंत्रता संग्राम में। और वो हमसे ये भी चाहता है कि आप बात करें तो ये देखें कि आप विशेष तौर पर गांधीवादी चरण के दौरान की बात करें। ठीक है, तो यहां तक चीज स्पष्ट हो गई। अब बात करते हैं विवेचना की। किस चीज की विवेचना की, कि भाई विवेचना कीजिए, विवेचन कीजिए, चर्चा कीजिए। अब ये सिमिलर वर्ड है, आपको दिखे आपको सेम ही काम करना है, जैसे कि हमें स्पष्ट करना था, उसकी व्याख्या करनी थी, उसमें इधर उधर नहीं है कि वो फ्री हैंड नहीं दिया गया, मुक्त क्वेश्चन नहीं था। हमें क्या करना था कि पूरे पॉइंट जो है बस स्पष्ट करने थे कि हाँ ये वो चीजें हैं, ये वो परिवर्तन हुए थे, उसमें इधर उधर आलोचना, इधर उधर की चीजें नहीं करनी थी। इसमें हमें जो है थोड़ा फ्री हैंड दे दिया जाता है कि आप अपने आप से जो है जैसा आप सोचते हैं इसके बारे में देखते हैं, अपने आप से सरल भाषा में जो है इस पर चर्चा कीजिए, विवेचन कीजिए, विवेचना कीजिए। ठीक है, आप इस चीज का जो है नॉर्मली हमें बता दीजिए, इसके ऊपर चर्चा कीजिए कि आप इसके बारे में वो पॉइंट हमें दे दीजिए। वो जरूरी नहीं है कि आप सेम तरीके से बात करें, आप अलग अलग तरीके से चीजों के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, अपने बारे में, इस चीज के बारे में बता सकते हैं, चर्चा आप इस पे करने हैं, थोड़ा सा मुक्त चीजें दी गई है, मुक्त क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये व्याख्या से अलग है, किस चीज से अलग, स्पष्ट कीजिए, उस चीज से अलग है, हल्का सा चीजें अलग है, इसमें बस स्पष्ट करना होता है, इसमें ऐसा नहीं है, आप अपने हिसाब से चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आप हमें यहां पर टॉपिक क्लियर करना है, वो क्या है, हम भूमिका के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम पढ़ते चले जाते हैं हर चीज के अंदर महिलाओं की भूमिका रही। अब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके अंदर किस किस रूप में महिलाओं की भूमिका रही है, कहां कहां पर रही है, किस तरीके से रही है, ये चीज पढ़ना आवश्यक है ताकि आपका एक टॉपिक क्लियर हो सके। अब यहां से बार बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, तो देख ले कि उसके अंदर महिलाओं की भूमिका क्या रही है, वो गांधीवादी चरण में हो, गांधीवादी चरण से पहले हो, समाज धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर हो, है ना, अलग अलग तरीके से कहां पर रहे, कितनी प्रभावित रही, अलग अलग तरीके से आप महिलाओं की भूमिका के बारे में बात हो जाएगी, अलग तरीके से आप ये देख लेंगे तो कितना भाई टॉपिक पूरा क्लियर करना। वो यहां से हमें पीवाईक्यू क्या बता रहा है कि आप महिलाओं की भूमिका के बारे में बात कीजिए, पढ़िए उसको। ठीक है, तो टॉपिक के बारे में पता चल गया। अब वो जो क्लास होने वाली है वहां पर हम बताएं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा।
वो आपकी चीज चेंज करने वाला है। आप यदि आपको नहीं पता है तो आपकी पूरी लाइफ चेंज करने वाला है। जिनको चाहिए कि वो 2025 के अंदर लिस्ट में आना चाहते हैं, प्लीज वो मिस मत करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि हम मैं हिंदी माध्यम से मेरा सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। महिलाओं ने जो है 1857 के विद्रोह से लेकर स्वदेशी आंदोलन आदि में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारतीय राजनीतिक प्रदर्शन पर गांधी के प्रवेश, जिस टाइम गांधी का प्रवेश होता है उसके साथ ही उनकी भागीदारी जो है मुख्य धारा में आ गई, यानी कि वृद्धि हो गई। जितने प्रतिशत वो भाग ले रहे थे पहले, उससे अधिक लेने लगे, क्योंकि गांधी पर लोगों का विश्वास था, उनकी विचारधारा पर विश्वास हुआ था कि हाँ इस तरीके से हमें क्या मिलेगी फ्रीडम। तो बढ़ चढ़कर हर हिस्से ने जो है वो योगदान दिया, उनमें महिलाएं भी थी, ठीक है। नहीं, गांधी जी जो है जनता की शक्ति में विश्वास करते थे और उनके जन आंदोलन ने जो है बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी को सक्रिय रूप से है प्रोत्साहित किया, ठीक है। ये हमारे पृष्ठभूमि हो गई, गांधी जी का विशेषकर उसमें जिक्र भी हुआ, स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी के बारे में, भूमिकाओं के बारे में, महिलाओं की बात की हुई, ठीक है। अब बात करते हैं उन सब पॉइंट के बारे में, जिक्र करते हैं। अब आंसर अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है क्योंकि विवेचन के बारे में बात हो रही है। हम देखेंगे क्योंकि विशेष तौर पर जो है गांधीवादी चरण के बारे में बात की जा रही है, तो दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक क्या गांधीवादी चरण की हम बात करेंगे, विशेष तौर पर हम वहां पर पॉइंट देंगे, और एक गांधीवादी चरण के पहले की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए स्वतंत्रता संग्राम महिलाओं की भूमिका के बारे में बात करें तो पहला चरण वो जो गांधी से पहले थे, तो उन वो पॉइंट देंगे। फिर गांधीवादी चरण के बारे में विशेष तौर पर वहां पर बात करेंगे। तो 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई हैं, बेगम हजरत महल ने जो है अंग्रेजी हत्याचार के विरुद्ध जो है वो संघर्ष किया, स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और शराब की दुकानों पर जो है धरना तक सीमित था, महिलाओं की भागीदारी जो है दूसरे चरण में होम रूल और संवैधानिकता का विचार प्रमुख हो गया था। एनी पेशेंट ने जो है होम रूल आंदोलन चलाया और कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी, ठीक है। अन्य पॉइंट क्या, वो दूसरा भाग जो विशेष तौर पर हमें बात करनी है, अनसुईया जो है बेन ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में गांधी जी का साथ दिया। अब किनकी बात है, महिला के योगदान की हम बात कर रहे हैं, उनकी भूमिका के बारे में बात कर रहे हैं। असहयोग आंदोलन में जो है महिलाओं ने खादी वस्त्र की बिक्री की, बसंती देवी ने जो है, उर्मिला देवी ने जो है उनमें नेतृत्व किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन, विजय लक्ष्मी पंडित, अनेक नाम है, इतिहास भरा पड़ा है महिलाओं की भूमिका के बारे में, उनके योगदान के बारे में। और उस इतिहास से अधिक योगदान जो है जो लिखा ही नहीं गया वो बाहर है, जो हमने देखा ही नहीं है ना, इसके बारे में हमें सुना ही नहीं, उससे अधिक योगदान इसके बारे में आप सोच पाते हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, उससे अधिक योगदान है महिलाओं का, ठीक है। वो नेतृत्वकारी भूमिका में हो, जैसे जो है धरना, डिपो पर धरना है ना, तो मतलब आप सिर्फ अपने एग्जांपल देते हैं कि बात करते भी हाँ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है उसमें जो है उन इस चीज के अंदर उन्होंने नेतृत्व किया है, बस कुछ एग्जांपल लगते हैं जिससे आपको प्रमाण मिल जाए। अब योगदान की बात होगी तो वो बहुत अधिक है, इतना हम सोच नहीं सकते, उससे अधिक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उषा मेहता ने गुप्त कांग्रेस रेडियो संचालन किया, सुचिता कृपलानी है, अरुणा आसफ अली ने जो है भूमिगत रहकर आंदोलन की संचालन किया, कहां कहां पर योगदान नहीं दिया है इन लोगों ने, है ना। क्रांतिकारी महिलाओं जो है, ऐसे लोग थे बंगाली गवर्नर पर हमला कर दिया उसमें उनका योगदान है, बम जो है बनाने में बहुत सारी जगहों पर इन्हें योगदान दिया है, त्याग दिया है ना। लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में इंडिया नेशनल आर्मी रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, तो बहुत सारी जगहों पर योगदान दिया। तो विशेष तौर पर उनके बारे में हम बात की, हाँ इन पॉइंट के बारे में हम बात करते हुए वो विशेष तौर पर अपने पॉइंट हम रख रहे हैं। दो चरणों में डिवाइड किया, गांधी चरण से पहले, गांधी चरण के दौरान। अलग तरीके से भी क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं कि भाई हाँ हम उसके नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं, ये इनके बारे में बात कर रहे हैं, वो अलग तरीके से लिखा भी जा सकता है, और ये भी एक तरीका है क्योंकि उन्होंने बोला है कि विशेष तौर पर आप बात कीजिए गांधीवादी चरण की, तो गांधीवादी चरण की विशेष तौर पर बात की और कुछ अन्य पॉइंट गांधीवादी चरण से पहले के हमने रखे। आइए अब बात करते हैं निष्कर्ष की, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के गांधीवादी चरण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिन्होंने जो है विभिन्न क्षमताओं में बहुमूल्य योगदान दिया, उनकी भागीदारी
ने न केवल आंदोलन को मजबूत किया बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत के लैंगिक समानता और समाज सुधार में नींव भी रखी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के मध्य जो है जो दृष्टिकोण था वो उनमें भिन्नताओं पर प्रकाश डालिए। क्या कीजिए? प्रकाश डालिए, उसको स्पष्ट कर दीजिए। यहां पर क्या लिखा गया है? प्रकाश डालिए। मैं वर्डिंग आपको बताता हूं कि हाँ सेम चीजें होती है, बस वर्डिंग अलग अलग यूज की जाती है, तो इनको क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को समझें और ये देखें कि वो आपसे किस तरीके इसको लिखने के लिए बोल रहा है, ये भी आप देखें। तो क्या करना है इसमें? सिंपल सी तो चीज है, दो टाइप की चीजें हैं, पहला क्वेश्चन और ये थर्ड क्वेश्चन, सेम टाइप से। वो आपसे कुछ इधर से बात कर दीजिए उधर से नहीं, वो स्पष्ट करना चाहता है, वो इसमें प्रकाश डालना चाहता है, आप इसकी व्याख्या करवाना चाहता है कि भाई जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में, किस चीज में? स्वतंत्रता संघर्ष में जो है सुभाष चंद्र बोस जो है और जो महात्मा गांधी, दो महान व्यक्ति है ना जिनका हमने नाम सुना है, गुणगान सुना है, उनके जो दृष्टिकोण थे उनमें भिन्नताओं थी, बस वो उनके बारे में बात करनी है, वो भिन्नताओं के बारे में अपने पॉइंट रखते हुए उस चीज को स्पष्ट कर देना है, उस पर प्रकाश डालना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना हमें। तो क्वेश्चन समझ में आया कि भाई वो एक्चुअल में हमसे क्या चाहता है। अब ये क्वेश्चन समझाने से पहले और चीजें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन किस चीज पे हैं, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर है, भीमराव अम्बेडकर है और महात्मा गांधी जी को तो लिंक होते रहते हैं इधर उधर। तो व्यक्तिगत योगदान के बारे में, व्यक्ति के बारे में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्या आपने उस तरीके से तैयारी आप करते हैं कि इनकी विचारधारा के बारे में पढ़ के, इनके दृष्टिकोण के बारे में पढ़ के कि कहाँ पर किस तरीके से योगदान है, वो उसके बारे में किस तरह से उन्होंने कार्य किया है, वो किस विचारधारा के साथ कार्य किया है? क्या आपने क्वेश्चन से प्रैक्टिस करके, अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस इन्होंने की है कभी और फिर आप सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? बहुत सारे क्वेश्चन जो है इन चीजों पर पूछे जाते हैं, व्यक्तिगत योगदान पर पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो हमें तैयार करने की जरूरत है। यहाँ हमें पीबीआईक्यू से अच्छे तरीके से समझ में आता है कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं, आपस में मेल कर दिया जाता है। पीसीएस के अंदर तो क्या होता है कि सीधा ही पूछ ले जाता है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जो है और महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में दो प्रमुख नेता थे। यद्यपि उन्होंने है ब्रिटिश शासन में स्वतंत्रता प्राप्त करने का साझा लक्ष्य साझा किया है कि भाई हमारा टारगेट तो एक ही है, लेकिन उद्देश्य को प्राप्त करने के जो हमारे दृष्टिकोण है, जो हमारे तरीके हैं, जो हमारी विचारधारा है, वो भिन्न है ना, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की विविध प्रकृति को दर्शाते हैं कि बहुत लोगों ने, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दृष्टिकोण रखने वालों ने सबने साथ मिलकर फ्रीडम के लिए कार्य किया था। तो वो कैसे भिन्नताएं थी उसके बारे में बात करते हैं, उस पर क्या करते हैं, उस पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, विचारधारा के बारे में बात करें तो पॉइंट टू पॉइंट जो है उसको सपोर्ट करते चलेंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसको जो है आपकी कॉपी देखते ही चीजें मजा आ रहा है कि भाई झंझट ही कुछ नहीं है, ऐसी कॉपी को देखते ही समझ में आ रहा है कि ये क्या करना चाहता है, कौन कौन से पॉइंटों पर चीजों को अलग कर रहा है, प्रस्तुतिकरण अच्छा है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा है और चीजें आसान तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, सरल भाषा में अपने पॉइंट जो है वो रख दे रहा है, अपनी बातें रख दे रहा है और चीज को क्लियर कर रहा है, प्रकाश प्रकाश डाल रहा है, उसको स्पष्ट कर रहा है, उसकी विवेचना कर रहा है ना। तो विचारधारा के बारे में बात करें तो गांधी जो है दृढ़ता से किसका अहिंसा की विचारधारा का जो है वो पालन करते थे, है ना। उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह आदि जैसे जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया और सभी में वही विचारधाराएं थी, है ना। हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की, तो बोस का मानना था कि बंदूक उठाओ और गोलियां उतार दो भीतर, है ना। तो स्वतंत्रता केवल जो है भारतीय राष्ट्रवादी ताकतों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, ये कुछ नहीं है अहिंसा वहिंसा, इससे कुछ नहीं होने वाला है, ये विचारधारा हमारे महान पूजनीय सुभाष चंद्र बोस जी की थी। ठीक है, नहीं तो मैं तो इनको बहुत मानता हूं। तरीके के बारे में बात करें तो गांधी ने जो है बहिष्कार, हड़ताल, अन्यायपूर्ण ब्रिटिश कानून के उल्लंघन से जुड़े अहिंसक जन आंदोलन का आयोजन किया और हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने इनके दृष्टिकोण के साथ से, बोस ने जो है भारतीय युद्ध बंदियों के साथ क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया और ब्रिटिश सैन्य रूप में जो है उखाड़ फेंकने के लिए नाजी जर्मनी जापान से मदद मांगी कि आप हमें मत कीजिए, इनको उखाड़ फेंकेंगे, और वो आए अटैक भी किया, है ना। चीजें अच्छी तरीके से हुई होती तो वो कार्य कर जाते,
कहीं पर जो है संपर्क नहीं क्या होता जापान ने, तो चीजें कुछ हो रही होती। ठीक है, वैकल्पिक मॉडल के बारे में बात करेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में। तो गांधी जो है वो स्वराज की अवधारणा, राज्य के नियंत्रण बिना एक विकेंद्रीकरण अर्थव्यवस्था चाहते थे, जबकि जो हमारे बोस थे वो बड़े औद्योगिकरण के पक्ष में थे। ठीक है, तो यहां से देखिए पॉइंट टू पॉइंट चीजें क्लियर हो रही है और आप एग्जाम में क्या देखिएगा कि वो किस तरीके से भिन्नता से स्पष्ट कर रहा कि भाई उनकी क्या थी इनकी क्या थी। शिक्षा की हम बात करें तो गांधी जो है अंग्रेज शिक्षा प्रणाली के खिलाफ थे और वो तकनीकी और वैज्ञानिक शिक्षा के पक्षधर थे। ठीक है, तो यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो रही है। सांप्रदायिकवाद की बात करें तो गांधी जो है खिलाफ आंदोलन की, भाई हिंदू और मुस्लिम जो है साथ में आके काम करें, है ना, एकजुट हो, महान प्रयास उनका था। मगर सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि भाई ये चीजें बाद में देखेंगे, ये लफड़े बाद में देखेंगे, पहले इनसे सुलटते हैं जो हमारे घर में बैठे हैं। अंग्रेजों की सैन्य विजय पर उनका फोकस था कि पहले ये कार्य करना, फ्रीडम के लिए कार्य करना, ये बाद में देखा जाएगा, हमारे घर के मसले हैं बाद में सुलझा लेंगे, पहले इनको देखते हैं, है ना। तो सैन्यवाद की बात करें तो जो है गांधी सेना के खिलाफ थे कि ये चीजें ठीक नहीं है, है ना, उनका मामला था चाइना अटैक नहीं करेगा, पाकिस्तान पे अटैक नहीं करेगा, तो वो चीजें उनका मानना था, वो भाई सेना चाहिए ही नहीं, उनका राम राज्य सत्य अहिंसा जो है ना आत्म नियमन पर जो है आधारित था। सुभाष चंद्र बोस जी तो सैन्य का पहले गठन कर दिया था, तो बोस सैन्य अनुशासन के प्रति बहुत आकर्षित थे कि चीजें आपके पास ताकत है तो अगला इंसान सही तरीके से रहेगा। तो बिल्कुल चीजें क्लियर हो गई, प्रस्तुतिकरण हर चीज के बारे में आप देख रहे हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष की बात करते हैं। आपने बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण के बावजूद सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी दोनों ने जो है अपनी देशभक्ति और नेतृत्व के माध्यम से भारत की कड़ी मेहनत से जो है हासिल की गई आजादी के परिहार्य भूमिका निभाई थी। दोनों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका योगदान जो है दर्शाता है कि समान राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में विविध विचारधाराएं जो है एक दूसरे की पूरक कैसे हो सकती है, कि आपका टारगेट एक ही है, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग दृष्टिकोण, अलग अलग मान्यताएं हो सकती हैं, मगर हमारा टारगेट एक ही है, वो है इन लोगों को बाहर निकालना, अपने शासन का अंत करना। ठीक है, तो अलग चीजें हो सकती हैं, तो यही चीजें हैं कि पीवाईक्यू हमें क्या समझाता है। तो आंसर मैंने आपको बता दिया है, केवल आंसर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे प्रस्तुत हो रहा है, पॉइंट हम कैसे रख रहे हैं, और पीवाईक्यू क्या रोल निभा रहे हैं, ये हम आपको बताते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन को हमें कैसे समझना चाहिए, कैसे जो है ये देखना चाहिए कि इसको लिखना कैसे है, स्ट्रक्चर कैसे देना है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हम जो है क्लास के अंदर कवर कराते हैं। और तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वो सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो भी करंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम शॉर्ट नोट्स में जो है वहां पर उपलब्ध कराते हैं, फ्री में है। करंट के जो है MCQ वहां पर आते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस अच्छी हो सके, और मेंस के शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं कि चुनौतियां क्या हैं, जैसे आंसर देना होता है ना वैसे ही शॉर्ट नोट्स आपको मिलते हैं टॉपिक के जो भी करंट के अंदर रहते हैं, जिन पर एडिटोरियल लिखे जाते हैं, चाहे वो द हिंदू के अंदर हो, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर हो, किसी के अंदर भी हो, जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होगा, वो वहां पर हम कवर कराते हैं। तो प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर हम बहुत सारी चीजें जो है वो कवर कराने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।